मैं भी केजरीवाल जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। पहला कार्यक्रम आज शाहदरा वार्ड नंबर 215 के बाबूराम स्कूल से प्रारंभ किया गया, जहां पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल एवं विधायक कुलदीप कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध के बाद भी जब ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुए और विधायक पार्षद पार्टी के नेताओं से राय मशवरा कर रहे हैं, क्या ईडी उनको गिरफ्तार करती है तो जेल से सरकार चलानी चाहिए। जब सबकी सहमति हमें मिली तो एक नया कार्यक्रम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के सामने पेश किया, जिसका नाम है मैं भी केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप कुमार का कहना है कि मैं भी केजरीवाल कैंपेन के दौरान उनके विधायक पार्षद एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर वॉलंटियर तक दिल्ली के 24 लाख परिवारों से मिले और मिलने के बाद सब ने एक सुर में कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्तम से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यदि उनको ईडी गिरफ्तार करती है तो उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए। देखिए, संवाद और हस्ताक्षर अभियान, इसके अभी तक पार्टी ने संगठन ने दो पहलू तय किए। पहला हस्ताक्षर अभियान चला और हस्ताक्षर अभियान से मेरे विधानसभा में लगभग 20,000 लोगों ने इस पर सहमति दी है कि केजरीवाल जी को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। हैंडबिल बटे पार्टी ने तय किया कि इस ढंग से जनसंवाद हो, यह जनसंवाद हमने बहुत पहले भी किए थे, उस वक्त विषय दूसरे थे। इसके लिए जनसंवाद शाहदरा विधानसभा को चुना गया कि यहाँ से शुरुआत हो, और ये कुल 4 दिन पहले की बात है। और उस 4 दिन में इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने देखा है, लोग आए हैं शाहदरा के, मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने अपनी सहमति भी दी कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार होने पर सरकार जेल से चलानी चाहिए। और ये सहमति का चौथा चरण है। पहले सहमति ली गई विधायकों से, फिर सहमति ली गई निगम पार्षदों से, फिर सहमति ली गई संगठन के लोगों से, फिर पंजाब के विधायकों से। सबसे सहमति लेने के बाद ये निर्णय हुआ कि केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन केजरीवाल जी के सामने जब ये बात रखी, उन्होंने कहा नहीं, आपकी सहमति से नहीं, मुझे जनता की सहमति चाहिए। और जनता की सहमति के जब केजरीवाल जी की इच्छा प्रकट की तो हस्ताक्षर अभियान हुआ। और अब ये जनसंवाद, प्रत्येक वार्ड में एक एक जनसंवाद होगा और 10 तारीख तक ये सारे कंप्लीट होंगे। ये का आरोप है कि जब ईडी के समन जा रहे हैं तो आखिर वो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, ईडी के समन जा रहे हैं, आप भी समझते हैं, पूरा देश समझता है, पूरा भारत समझता है। ईडी का समन कर्नाटक के एमएलए जिसके यहाँ 8 करोड़ रुपया नगद पकड़ा गया एमएलए के बेटे के, उसके आज तक ईडी का समन नहीं गया, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। केजरीवाल के यहाँ कोई पैसा नहीं मिला, किसी ढंग का नहीं, एक षड्यंत्र रच करके इस ढंग से वो तबाही मचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को आपने अरेस्ट कर लिया, समन का जवाब वो दे रहे हैं, विधिवत तरीके से दे रहे हैं, उन्होंने जवाब दिए, कानूनी तरीके से भेजे। उनका एक ही क्वेश्चन है मेन कि आप समन जो है मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं या पार्टी के संयोजक को भेज रहे हैं, आज तक इस बात का जवाब नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कानूनी पहलू हैं, कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से कानून के तहत हम काम कर रहे हैं और करेंगे। सर, एक न्यू एलिगेशन लगा है इस बार मोहल्ला क्लिनिक को लेकर फेक लैब टेस्ट के रिगार्डिंग, क्या जवाब है? अब अगर फेक लैब टेस्ट हो रहे हैं, लोग मर क्यों नहीं गए? दिल्ली के लोगों की आवाज़ क्यों नहीं आई? दिल्ली के लोगों से कोई इस ढंग का, ये केवल बीजेपी के षड्यंत्र है। फेक दवाई, एलजी साहब ने कह दिया मैं सीबीआई से जांच करवाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक फेक, सब कुछ फेक वो बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अपराध कितने बढ़ रहे हैं, दिल्ली में मर्डर कितने हो रहे हैं, दिल्ली में रेप कितने हो रहे हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था क्या बन गई है? अभी जिस ढंग से ये सारी चीज़ों, और इस ओर एलजी साहब का ध्यान नहीं, उनका मकसद एक है कि आने वाला चुनाव, और उस नाते से वो इन सब चीज़ों को घेर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी घेरने वाली नहीं, उनके कार्यकर्ता ठीक ढंग से। विधानसभा में चलेगा नहीं, ये वार्ड वाइज चलेगा, वार्ड वाइज चलेगा, 70 के 70 विधानसभाओं में, उनके सब वार्डों में, कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं 5 है, लगभग 250 वार्ड है, सब में चलेगा। आज इसकी शुरुआत हुई है और मैं बधाई देता हूँ शाहदरा निवासियों को, कुलदीप जी को यहाँ आए, कि बहुत अच्छा, इतनी कड़ाके की ठंड में जनता यहाँ आई, उनका धन्यवाद करता हूँ।
आज सादरा में अपने जनसंवाद किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने दिल्ली में कंपेन शुरू किया था, मैं भी केजरीवाल, और दिल्ली के लोग घर घर गए थे ये बताने के लिए, जानने के लिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, जिस शराब घोटाले की वो बात करते हैं, वो तथाकथित शराब घोटाला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये ट्रायल में जाएगा तो दो मिनट ये केस नहीं टिकेगा, इसलिए ट्रायल आज तक शुरू नहीं किया गया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा, भाई सबूत लेके आओ, आपको क्या मिला, आपको पैसा मिला, आपको जेवर मिले, आपको कागजात मिले, एक साल से ऊपर हो गया, कोई सबूत नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला, कोई ढेला नहीं मिला, उसके बाद भी उन दो लोग आज की जेल के अंदर सड़ रहे हैं, जेल के अंदर हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने दिल्ली के बच्चों के स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, संजय सिंह ने दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाई, देश के लोगों की आवाज़ उठाई, इसलिए वो जेल के अंदर हैं। तो आज हमें पूछने के दिल्ली के लोगों के बीच में गए तो दिल्ली के 24 लाख लोगों के घर में हम गए थे, उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर इस षडयंत्र के तहत जेल में भेजते हैं इस फर्जी घोटाले में तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उनको दिल्ली के लोगों के लिए सरकार चलानी चाहिए जेल से, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे काम किए हैं, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बुजुर्गों तीर्थ यात्रा का, महिलाओं को बस में ट्रैवल का काम किया है, इसलिए वो सरकार चलाएं, दिल्ली के लोग उनके साथ हैं। और आज ये जनसंवाद के माध्यम दिल्ली के लोगों के बीच में हम गए हैं, हमने ये विश्वास अगर मैं आज जनसंवाद किया है, दिल्ली के 250 वार्डों में जनसंवाद होगा, हम लोग सीधी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, बताइए भाजपा आज अरविंद केजरीवाल जो जेल भेजना चाहती है और आप क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, ये सरकार चलानी चाहिए। तो यहाँ लोगों ने कहा कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, दिल्ली के लोग उनके साथ खड़े हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं, आंदोलन के लिए तैयार हैं, और अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना दें, दिल्ली के लोग चट्टान बन के उनके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली के बच्चों के भविष्य को बनाने का काम किया है, दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य में काम किया है, इसलिए दिल्ली के लोग उनके साथ हैं। और मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी को भ्रष्टाचार दिक्कत होती तो अजीत पवार जिसको सत्ता का घोटालेबाज कहते थे उनकी पार्टी में थोड़ी ना होता, वो हेमंत बिस्व शर्मा वोटर स्कैम का घोटालेबाज उनकी पार्टी में थोड़ी ना होता, वो हसन मुशरीफ उनकी पार्टी में थोड़ी ना होता, वो उनकी पार्टी में नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया और सारे कमल छाप साबुन से नहा लिए, अब सब बहुत साफ सुथरे और सुंदर दिखते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल से लड़ाई लड़नी है तो चुनाव के मैदान में आइए, आप 3 बार चुनाव के मैदान में आए दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों ने आपको एक बार, दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया और दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को प्यार दिया, नगर निगम में आप आए, नगर निगम में दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया, अरे जनता के बीच में आइए ना, ये लोकतंत्र के उसमें जनता के बीच में आके वोट मांगिए, पीछे से वार मत करिए, ईडी और सीबीआई अपने दो भाइयों का उपयोग मत कीजिए, ईडी और सीबीआई संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, और कानूनी नोटिस भेजिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, जवाब भी देंगे, जाएंगे भी, लेकिन नोटिस कानूनी होना चाहिए। सर आज भी दिल्ली पुलिस से सीएम के ऑफिस में गई थी, चारों तरफ घेराबंदी की थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी मंशा आज सीएम साहब को गिरफ्तार करने की है, केजरीवाल साहब को गिरफ्तार करने की है, ये पूरे देश को पता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी कीमत पे गिरफ्तार करना चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से, ताकि वो प्रचार ना कर पाएँ, अपनी पार्टी को आगे बढ़ा ना पाएँ, इसलिए उनको रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप कितनी भी ताकत लगा लो, ये आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इसको ख़त्म नहीं कर पाओगे। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी IRS की नौकरी छोड़ी है, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो 3-3 महीने तक सुंदरनगरी झुग्गियों के अंदर रहे हैं, राशन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, RTI कानून की लड़ाई लड़ी है, वो व्यक्ति हैं, तो वो हार मानने वाले नहीं हैं, वो तुम्हारे सामने चट्टान की तरह खड़े हैं और तुम्हारी हर बातों का जवाब देंगे, और निश्चित रूप से दिल्ली के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। सर बीजेपी ये कहना चाहती है कि जवाब नहीं दे रहे हैं जो ईडी सम्मन भेज रही है। मैंने कहा ना, अगर सम्मन कानूनी होगा, जवाब तो दिया ना, जवाब तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि आप बताइए आप उन्हें किस हैसियत से बुला रहे हैं, आप उन्हें अभियुक्त के तौर पर बुला रहे हैं, आप उनको गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, आप उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं, आप उनको संयोजक के तौर पर बुला रहे हैं, आप उनको बुला किस ले रहे हैं, आप बताइए ना, ये तो एक देश के आम नागरिक को भी जानने का अधिकार है, उनको पुलिस क्यों बुला रही है, ये तो मुख्यमंत्री और ईडी है, उनको भी जानने का अधिकार है, तो बताती क्यों नहीं है ईडी, क्योंकि ईडी का जो लेटर है वो ईडी के पास टाइप नहीं होता है, वो भाजपा के कार्यालय में टाइप होता है, जो भाजपा के कार्यालय में मोदी जी कहते हैं वही ईडी कहती है, तो ईडी को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि वो किसी के इशारों पे काम ना करे। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ईडी और सीबीआई मोदी जी के भाई बन के काम कर रहे हैं, उनके इशारे पर राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।